हेलो गाइस, तनुप्रिया ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज मैं तनु को स्कूल से पिक करने जा रही हूँ, तो सोचा छोटा सा ब्लॉग बना लूँ। वैसे मैं रेगुलर जाती नहीं हूँ उसको स्कूल से बुलाने, वो गाड़ी से आती है, स्कूल के वाहन से आती है। सो आज मौका मिला है मुझे जाने का, तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। और ये तनु के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि आज हम लोग ब्लॉग शूट करेंगे। तो हमारे साथ बनी रहिए और देखते रहिए तनु का रिएक्शन क्या होता है। सो हम निकल गए हैं। अभी हम लोग स्कूल के पास आ चुके हैं और ये अभी बंगाली कॉलोनी से हम लोग गुजर रहे हैं। सो हम तन्नु के स्कूल आ चुके हैं। ये रहा तन्नु का स्कूल। अभी स्कूटी पार्किंग में लगा के हम तन्नु के क्लास में जाएंगे उसको पिक करने के लिए। अभी स्कूल का छुट्टी तो नहीं हुआ है, तो अभी चलिए आप सबको स्कूल का टूर कराते हैं। छुट्टी तो हो गया है, सब बच्चों को क्लास वाइज बाहर निकाला जा रहा है। और सर से मैंने बोला तो सर ने तन्नु का छुट्टी कर दिया। यहाँ तन्नु को एक इंस्टाग्राम के फ्रेंड मिले हैं, वो तन्नु को फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो देख कितने खुश हुए थे। सरप्राइज ही हो गए, हमको लेने आ गई लोग। लोग ब्लॉग शुरू कर देगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और आप लोग से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब करिए। वो देखो कूली पड़ी वो देखो कूली खड़ी है पीछे। हे गाइस, मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, व्लॉग एंजॉय करिए। गाइस, मेरा स्कूल कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइएगा। गाइस, रोज़ तो मैं स्कूल भैनी से जाती हूँ, लेकिन गाड़ी ख़राब होने के कारण पलक जी मुझे लेने आई है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। पलक जी मुझे स्कूल से बुलाने आए, तो इसी कारण छोटा सा ब्लॉग भी बन गया। ये हमारे बेटिया का सागर पोखरा है, जो हमारे स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है। गाइस, मैं इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ, तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।